begin with our journey, which began in 2003. My husband was posted in Delhi. He's an army officer, and this was his the last leg of his career, and we were posted in Delhi. Uske baad, we were looking forward to our retirement, and we were to come home. तो जो गुरु जो मेरे बुआ हैं वो और उनके हस्बैंड, he also happens to be my husband's brother and bhabhi. So वो गुरु जी के पास काफी सालों से जाते थे, बल्कि उनको जाते हुए 10 साल हो गए थे. तो वो अक्सर उनकी गुरु जी की बात भी करते थे. जब भी हम कभी चंडीगढ़ आते थे तो वो उनकी बात भी करते थे, लेकिन गुरु जी का तब तक बुलावा नहीं आया था आई गेस. तो हम कभी उतना ध्यान नहीं देते थे उनकी बात की तरफ. तो उस टाइम वो आए और गुरु जी से मिलने ही आए. तो जब वो हमारे पास रहे, जिस दिन शाम को जा रहे थे, तो पता नहीं मेरे दिल में क्या आया. मैंने कहा आंटी मैं भी चलूं? कहते हैं हाँ बेटा जरूर चलो, बहुत खुशी की बात है अगर आप आपका दिल है तो. सो दैट इज हाउ आर आर जर्नी विद गुरु जी बिगैन. उनके चरणों में हम लगे. उसके बाद तो बस फिर गुरु जी हैं और हम हैं, और उन्हीं का ही मेहर है, उन्हीं का ही ध्यान रहता है सुबह शाम दोपहर, चाहे खुश हो चाहे तकलीफ में हो, कुछ भी हो गुरु जी का साथ हमारे साथ होता है. अब मैं पहले शुरू करती हूँ, आपको मैं अपने पर्सनल हीलिंग के 2 सत्संग सुनाती हूँ. तो हमें गुरु जी के पास जाते हुए कुछ देर हुई थी, I think about a month or so, when I had this attack of manias. I used to suffer from this condition called manias disease, which is a progressive disease. And I'm told still, I read about it, that there is no cure for it. It can be contained a little, but it cannot be cured. So, wo mujhe जब मैं गुरुजी के पास गई हूँ तो तकरीबन 18 साल से मैं उस तकलीफ से सफर कर रही थी. उसमें आपके इनर ईयर में फ्लूइड होने की वजह से आपकी लाइफ बस बहुत परेशान हो जाती है, बिकॉज यू आर नेवर फिट, यू आर नेवर फाइन, यू आर फॉरएवर इन अ स्टेट ऑफ नौजिया. And, you know, the spinning sensation never goes. It's always there. So this was the normal life that I was leading, living with this condition. Jab uska attack hota tha, to wo bahut zabardast ho jata tha. It lasted for about 8 to 10 days to even more. And what would happen is that it would, then it would slowly recede. It would recede, you know, taper off very slowly. And I mean, for another week or so, I was never okay. Even if I got up and walked a few steps, turned around, even then my whole world would spin. So Guruji ke paas jaate hue hume takriban mahina ho gaya tha. और गुरु जी की इतनी मेहर थी, उनका हुक्म था कि हम उनके पास चारों दिन आए. सो वी वुड गो टू हिम ऑल 4 days, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे. तो वहां जाते जाते समझ में आ गया था कि गुरु जी कहते थे मन्नो मंगो ने, और इफ्स एंड बट्स तो वो कहते थे कि आप बाहर जब जोड़ों के पास छोड़ के आओ. So when this attack began, it was the worst attack I'd ever had.
It lasted for about 6 days. And every time, you know, there was a homeopathic medicine which I was taking constantly for these past 18 years, which would help me very slightly. It didn't make my problem go away, nor did it take away the, but it would take the intensity away a bit. So, जब गुरुजी के पास जाते जाते इतने सारे सत्संग सुने और इतनी हीलिंग्स देखी अपने सामने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने तो मुझे यूं ध्यान आया कि गुरुजी को बताना नहीं है, उनसे मांगना नहीं है और चुपचाप प्रे किया कि गुरुजी आज से मेरे डॉक्टर आप हैं। हालांकि गुरुजी कहते होते थे कोई जल्दी से इम्पेशेंटली वहां पहुंच जाता था और सोचता था कि मेरी फटाक से प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो गुरुजी हमेशा कहते थे मैं कोई डॉक्टर है, यू नो ही ऑफन से दैट। सो मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, मेरे तो डॉक्टर आज से आप हो। आई पिक्ड अप ऑल दिस होम्योपैथिक मेडिसिंस व्हिच वर हेल्पिंग मी अ लिटिल बिट एंड आई जस्ट थ्रू देम इन द डस्टबिन एंड मच टू माय हस्बैंड्स यू नो सरप्राइज And I said, Guruji, आज से मेरी जो दवाइयाँ हैं या जो दवा देंगे आप देंगे मैं मेरे डॉक्टर आप। So ये तो मैंने कह दिया, फिर कोई Guruji ने मुझे घुमाया। इतने जबरदस्त अटैक था वो कि I could not get up from the bed for a week, you know. The intensity was so much, and the nausea and the sickness, I couldn't eat anything, I couldn't drink, I couldn't move my head even slightly. So it carried on, and every time I was in misery, I would look at Guruji's Swaroop and I'd say, Guruji, aap hi ho, maine to आप ही का सहारा लिया, अब मैंने दवाई नहीं खानी, मैंने कुछ नहीं करना, आप ठीक करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, मैंने आपको अपने आपके चरणों में अपने आप को रख दिया, अब जो आप चाहें वो ही ठीक। सो माय रिजॉल्व वाज स्ट्रांग। माय हस्बैंड वुड टेल मी डोंट be foolish. I mean, it's fine to have faith in Guruji, but firstly, you are troubling him. Secondly, take your medicine. Maybe it'll help. But I didn't. And I think on this fifth or sixth day, I also had a dream about Guruji. We were staying in an army house in the cantonment, and while sleeping, I just dreamt that there is a life-size mirror, which wasn't there. But in my dream, I saw a life-size mirror and I'm looking at it. And then suddenly Guruji appears. And Guruji is life-size. And I just saw him and then he turned sideways and he put his hand behind his head. And he started rotating his hand like that. So that was the first dream I think I had of Guruji. And I said ki Guruji ka dream aaya. Mujhe tab yun bhi itni bhi samajh nahi thi ki jo Guruji ka dream hota hai, wo dream nahi hota, wo actual visitation hoti hai. So now this was the fifth day. Sixth day, the misery carried on. And on the seventh day, Sangatji, you will be surprised. I woke up in the morning and there was nothing. I was so delighted because jo mera ye problem dheere dheere khatam hoti thi. All of a sudden, it was just gone.
it was like it was never there. And I very gingerly moved my head. There was nothing. I moved to the left, to the right, and then I shook it vigorously. And that was the day Guruji ki meher hui aur aisi hui ki aaj main aapke samne baithi hoon. It is kabhi mere khayal in past almost how many years from 2003? I'm not good at calculation. I must have had a very slight episode, maybe, which began in the morning and it would end in the evening. And it was so gentle and so light. And I would look at, you won't believe it, it's light, jo chakkar mujhe aane lage, I actually started enjoying them. I said, okay, Guruji, ab yaad dila rahe ho, okay. And, you know, I sort of even embraced that, ki ye jab ho raha hai, to ye Guruji mujhe yaad dila rahe hai, ki bachche thoda yaad kar liya karo. So, itna ulaj jaate hum log zindagi mein, life mein. So, वो दिन है और आज का दिन है. आप देखिए, मैंने आपको बताया कि साल छह महीने में, साल में कभी एक दफा वो होता और इतना स्लाइट होता कि मुझे महसूस भी नहीं होता. तो अब जब कोविड डेज के दौरान मुझे यूं ही लगता था, मैंने कहा गुरु जी मेर करो, हूं तक कितने बार भी नहीं जा सकते, डॉक्टर को भी नहीं जा सकते. एंड गुरु जी ने सुन ली. आई मीन वैसे भी मुझे लगता है वो पिछले ऑलमोस्ट 2 years नाउ आई हैव नॉट हैड दिस प्रॉब्लम एट ऑल. और होती भी है तो इतनी स्लाइड, जैसे गुरु जी हमेशा कहते थे ना कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स में दूर करता हूँ मैं, तुम्हारे कर्म भी बहुत हद तक हटा देता हूँ, पर कुछ तो हमने भी बर्दाश्त करना होता है. बट बिलीव मी संगत जी, द मिजरी दैट आई यूज्ड टू गो थ्रू, आई कैन ओनली थैंक गुरु जी विद ऑल माय हार्ट. एंड यू कांट थैंक गुरु जी इनफ फॉर हिज ब्लेसिंग्स. इतनी मेहरे, इतनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर करते हैं कि बगैर शुक्रिया किए आप रह ही नहीं सकते. सो दैट वाज वन. हालांकि यू नो देन अनदर डिबिलिटेटिंग प्रॉब्लम आई डेवलप्ड आई थिंक अराउंड 2005 और 6, आई एम नॉट श्योर. अब जब आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है ना, तो फिर आपको याद भी नहीं रहता. जब प्रॉब्लम में होते हो तो सारे टाइम प्रॉब्लम की तरफ ध्यान होता है. सो वी वर स्टिल इन दिल्ली. It was 2005, early five. So I developed a problem in my eyes. So jab check karaya, to it turned out to be choroiditis. Choroiditis is a condition. Again, it's progressive and it's they say there's no cure for it. It can be arrested, but again, there's no cure for it. This is inflammation of the retina, which can, if it gets worse, it can even lead to blindness. So, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पहली दफा मैंने गुरुजी को कहा नहीं, उनसे बताया नहीं, उनको उनपे सिर्फ भरोसा किया. तो इसी तरह ये प्रॉब्लम मेरी जो थी, वो मेरा फैसला था कि गुरुजी को तंग नहीं करना, उनको बताना नहीं. तो व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर, दे सेड दिस इज द प्रॉब्लम. एंड द प्रॉब्लम इज दैट विद दिस योर लेटेंट टीवी व्हिच वी ऑल हैव इन आवर बॉडीज, वो भी कई बार इट इमर्जेस, इट एक्टिवेट्स. तो he said the only cure for this is steroids.
स्टीरोइड्स आंखों में भी और एडमिनिस्टर भी करने होंगे. तो मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कभी दवाई खा के ही राजी नहीं है. आई वॉज क्वाइट हॉरिफाइड. एंड सो ही सेड कि मैम आप पहले तो अपना टीबी चेक कराएं and then we'll see how to proceed. So we got the test done and that turned out to be positive. So I was very demoralized. Maine kaha aankhein bhi ja rahi hain aur TB, I mean you're horrified when you hear of things like that happening to yourself. So गुरु जी का नाम चुपचाप लेती रही कि गुरु जी आपने करना है, आप पहले भी आपने करा था, अभी भी आपने करना है. सो वी वुड गो टू गुरु जी सत्संग ऑन थर्सडेज फ्राइडे सैटरडेज एंड संडेज एंड गुरु जी से मैंने कुछ कहा नहीं. एंड आई वॉज नॉट वेरी कीन टू गो बैक टू द डॉक्टर. आई सेड वी हैव टू हैव अनदर opinion and at the same time Guruji ke aage yahan chhod rahe the Guruji aap hi karo without actually telling him. So once when we went my condition was quite bad. I mean I could eyes were all red and I looked unwell. So somebody in the sangat a very गुरु जी की बहुत भगत है वो वेरी वेरी डियर लेडी शी सेड आंटी व्हाट्स रॉन्ग यू डोंट सीम योर चेयरफुल सेल्फ क्या हुआ है एंड ऑफ कोर्स शी कुड सी दैट माय आईज वर इन अ बैड शेप सो आई सेड आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम सो शी सेड आप बोलो ना गुरु जी को तो मैंने कहा नहीं गुरु जी को तो मैं नहीं बोलूंगी एंड शी वेरी स्वीटली शी सेड लो मैं बोलती हूँ आप क्यों नहीं बोलते हो मैं जाके बोलती हूँ गुरु जी को सो यू नो शी वेंट अक्रॉस टू गुरु जी और जो भी उन्होंने बताया मैंने कभी पूछा नहीं तो मैं दिल में खुश कि चलो गुरु जी कहते होते मांगना नहीं मैंने नहीं मांगा हाउ वी यू नो क्राफ्टी बाज नहीं आते हम लोग अपनी हरकतों से तो जब सत्संग खत्म अब जब हमको इजाजत मिली तो मैंने मत्था टेका तो गुरुजी की तरफ देखा गुरुजी चुप वो तो अब गुरुजी को तो सब पता है ना कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है तो अगेन आई लुक्ड एट गुरुजी सो ही सेज हाँ की है ठीक है अंदर तेरा डॉक्टर he was very kind he obliged without mege guruji wo kehta hai ki tb positive hai aur wo kehta hai ki steroids khane pahenge to kehte kuch nahi koi tb shi bhi nahi aave doctor de chakran ch na pya karo shayad lekya tere kol tere Rozpur wala jada shayad hai wo lekya ho अब देखो गुरुजी को ये तक पता था कि जो शहद मेरे घर में आता है वो मेरे मायके से घर का शहद जो है वो ही आता है सो ही वुड इन हिज ओन वे जेंटली ही वुड लेट यू नो हिज पास यू नो हेयर एंड देयर और हम फिर भी समझते नहीं थे हाँ एक दो दिन बाद याद किया हाँ गुरु जी को मालूम है मैं मेरा शहद वहां से आता है और बस फिर वो बात आई गई कर देते थे वी नेवर रियलाइज्ड व्हाट ही एक्चुअली वाज ट्रूली हम लोगों ने बहुत ना समझियां करी अब वो मौका हाथ में नहीं आता हम उनको पहुंचे हुए संत समझते थे या पहुंचे हुए महापुरुष समझते थे हमें गुरुजी ने ये अकल ही नहीं बख्शी या ये
समझ ही नहीं बख्शी कि हम उनका ट्रू सेल्फ जो था उसको हम रियलाइज कर सकते. और गुरु जी बहुत घुमा देते थे, यू नो, विद इन अ सेकेंड. जब भी आपका फेथ यूं अटल हुआ, तभी फटाक से कुछ ना कुछ ऐसा बोलते या ऐसा कुछ करते कि आप फिर वही नीचे पहुंच जाते. जो हमारी बहुत बदकिस्मती थी, अगर हमको जरा भी अंदाजा होता कि हम उनको क्या समझ रहे हैं और वो क्या है, तो इतनी ना समझी नहीं होती. और ये तो अंदाजा ही नहीं था कि गुरुजी ने चले जाना. ओके, आई एम डिविएटिंग. तो बैक टू माय प्रॉब्लम. सो ही सेज, लिया तू शायद ले गया, रोजपुर वाला शायद ले गया, मैं ब्लेस करू. सो द नेक्स्ट डे आई फिल्ड अप अ पॉट बिकवर एंड गुरुजी के कदमों में पहुंच गए. और बस गुरुजी जस्ट लुक्ड एट इट, ओपन्ड इट, लुक्ड एट इट एंड इसे पाओ अखां च कुछ नहीं हुंदा. बता रही हूं मैं आपको कि आज अगर मैं गुरुजी की बात करूं, तो अब जब उन्होंने कह दिया शहद डालो, तो मैं कहीं जाती नहीं, मैं किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाती. पर यहाँ आए हम लोग वापस चंडीगढ़ में, तो देयर इज अ नाइस स्पेशलिस्ट हु इज आल्सो अ रिलेटिव एंड ही इज अ वेरी गुड वन. सो वी वेंट टू हिम एंड शोड हिम द आईज एंड ही सेड कि आंटी प्रॉब्लम तो आपकी है और है भी सीरियस, और आप बता रहे हो कि आपके टीबी भी पॉजिटिव है, तो इसका इलाज तो स्टीरॉइड्स ही है. तो मैंने व्हेन ही सॉ माय हेजिटेशन एंड माय रिलक्टेंस टू हैव स्टीरॉइड्स, सुनते रहते थे ना कितने कितने साइड इफेक्ट्स ये वो, और मैंने आपको बताया दवाई वाई मैं नहीं खा के राजी. तो जैसे ही वो कहते हैं ये लेना तो आपको पड़े, स्लाइट हम लोग हल्के डोज से शुरू करते हैं और फिर देन वी विल सी हाउ इट गोस. तो उससे मैंने पूछा, मुझे आया गुरुजी का शहद याद, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आंखों में शहद डाल सकती हूँ. ही वाज एक्चुअली ही लिटरली फेल ऑफ हिज चेयर, ही वाज सो हॉरिफाइड. He said, आंटी आप बात क्या कर रहे हो, आप समझदार लेडी हो, आपको अंदाजा नहीं है आपकी आंखों की हालत कितनी ज्यादा खराब है, आप शहद की बात आपके दिमाग में भी कैसे आई. तो मैं चुप रही, मैंने उसे कुछ नहीं कहा. मैंने कहा चलो ओके आई वॉन्ट. तो गुरु जी देख रहे हैं तो उसने दी मुझे मेडिसिन आंखों में डालने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स अ डे. और उसी के दौरान बीच बीच में मैंने गुरु जी का शहद अच्छे से आंखों में भर भर के डाला. खूब जलता था, खूब ही जलता था, पर गुरु जी का हुक्म था तो डाला मैंने. So I went back to him after a week. And before that, I think in second, third, fourth day, I could see that my eyes were clearing up and I could see well. And I could make out that things are Guruji's in her hair or Guruji's at work already. So seventh day, jab main uske paas gayi hun, तो उसने देखते ही कहते हैं यू सीम मच बेटर एंड देन व्हेन ही चेक मी प्रॉपरली एंड ही वाज एक्चुअली टेकन अबैक. ही सेड आंटी आपका डू यू बिलीव इन गॉड, दैट वाज हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, डू यू बिलीव इन गॉड. आई सेड ऑफ कोर्स आई बिलीव इन गॉड. कहते फिर आपके ऊपर तो
परमात्मा की मेहर हो गई है। कहते हैं मैंने इतनी मिराकुलस हीलिंग कभी नहीं देखी, एंड योर आईज आर एज्ड आईज एंड योर प्रॉब्लम वाज मच वर्स देन अ यंग लेडी हु कम्स टू मी एंड उसके मैं 3 महीने से स्ट्रॉन्गर डोजेस इसको मैं दे रहा हूँ, उसके कोई मार्जिनल फर्क पड़ा है और आपकी तो आईज बिल्कुल ठीक हो गई है, दे आर ऑलमोस्ट 99% ओके एंड यू कैरी ऑन विद द मेडिसिन एंड यू आर परफेक्टली ओके। तो गुरु जी का इतना 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 शुक्राना कि बैठी होती मैं नहीं तो आंखें बंद करके, गुरु जी की जितनी शुक्रिया हम लोग कर दें और उतना ही कम है, जितना शुक्रिया करें उतना कम, उनकी उनकी मेहरें इतनी ज्यादा है हम सब पे कि और ऐसा नहीं कि आप बड़े भगत हो या आप बहुत उनका याद करते हो, वो जिसको जो जिस लायक है जितना वो उनकी वो ही जानते थे, किसी को समझ में नहीं आता था, गुरुजी हमारी समझ से बाहर थे, बिल्कुल बाहर थे। मैं बताती हूँ उधर हमारे जो फ्यू इयर्स दैट वी वर देयर टिल 2007, इतने मिरेकल्स होते हमने देखे, इतने लोगों की इतनी इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स, ब्लड कैंसर्स, स्किन कैंसर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, आई मीन यू नेम इट एंड पीपल वुड कम विद सच सीरियस डिजीज, और यू कभी तो चुटकियों में और कभी कुछ वक्त के बाद, पर बहुत मेरे होती देखी। मैं बता रही हूँ कि गुरुजी की समझ, गुरुजी को समझना हमारे बस की बात नहीं थी, किसी को तो यूं मेहर होती थी कि वो आए बाद में और उनका जो भी है वो उसी टाइम उनका मेहर हो गई और वो लोग अपने ठीक ठाक हो के, ये प्रॉब्लम बिजनेस प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या मेंटल प्रॉब्लम है या हेल्थ इश्यूज है, तो कईयों के तो वो इतनी जल्दी इतनी वो जल्दी ठीक हो जाते थे, और कईयों के मैं बताती हूँ वहां पे देयर वाज अ वेरी डियर जेंटलमैन विदाउट नेमिंग हिम, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर फ्रॉम अ नंबर ऑफ इयर्स एंड ही वाज ऑलवेज देयर इन गुरुजी सेवा, वेरी फाइन मैन, बहुत गुरुजी के बड़े भगत वो, बहुत ज्यादा पाठ पूजा करने वाले और गुरुजी की सेवा में ही होते थे, तो बहुत साल उनकी जो कैंसर थी वो ठीक नहीं हुई, तो उनकी वाइफ एक दिन और बहुत मेरे हुई उनपे, पर उनकी कैंसर जो थी वो गई नहीं, तो एक दिन उनकी वाइफ गुरुजी से कहती है गुरुजी आप इतनी मेरे करते हो, ये आपको पता है ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग और आपके इतनी इतने आपको मानने वाले हैं और आपको पता है ये नेक आदमी है, तो क्यों इनकी प्रॉब्लम दूर नहीं होती, तो कहते हैं तू तो कमली है, मैनु नहीं पता, मैनु ए दस इनू कोई प्रॉब्लम है, इदी कीमोथेरेपी होंदी है, इदी कोई प्रॉब्लम है, इनू कोई होर तकलीफ है, कुछ इदा खाना पीना छुपता है, ते फिर तू क्यों फिकर करती है, कैंसर कैंसर क्यों करी जाती है। इसको मैंने इस जन्म के बाद आने नहीं देता, इसका मैं पूरा कर्म जो है इसी इसमें कटवा और कंफर्टेबली कटवा, तो क्या प्रॉब्लम,
ऐसे कई दफा जब यू नो यू गॉट एन पीप इनटू व्हाट गुरु जी हैड इन माइंड, तो बहुत बात समझ में आती थी कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही, संगत जी आप कैरिंग ऑन. आई होप आई एम नॉट वेरी सेवी एट दिस, प्लीज लेट मी नो दैट इट्स ऑल ओके, यू कैन Perfect. हियर मी. Perfect. We are all able to hear you, aunty. ऑल राइट, Please continue. ओके ओके. सो मैं आपको बता रही हूँ कि गुरु जी हमारी समझ से बाहर थे, हमें हमें नहीं पता चलता था कि उनका क्या तरीका है, वो कैसे हील करते हैं, या व्हाट गोज ऑन. एंड यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, और गुरु जी के पास जाके दिमाग चलता भी नहीं था, चलाना चाहिए भी नहीं. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम टेलिंग यू, ही वुड ऑलवेज से कि जब मेरे को लाम दे अपना दिमाग बाहर जुतियां खोल रख गया, यू नो. सो आई नो इन दीज डेज यू ऑल आर प्रोबेबली यू नो न्यू संगत एंड यू नेवर मेट गुरु जी. And I also, you know, like you all, we also had concerns initially that, you know, you hear of all kinds of babas and gurus who fool you, who frauds. And again, मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, but then media tells you otherwise. यू नो जो पर्दे पाश होते हैं तो पता चलता है कि कितने गलत लोग भी हैं, पर हमारी खुशकिस्मती है, मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती हो नहीं सकती कि गुरु जी हमारी लाइफ में आए, हम उनके और नॉट नेसेसरीली कि उनके उनके रहते समय हम लोग उनके साथ जुड़े. इवन नाउ अब मैं देखती हूँ इतनी इतनी मेहरें हो रही हैं इतने लोगों के ऊपर जिसने सच्चे दिल से उनको अपना लिया और उनको सरेंडर कर दिया, उसके ऊपर तो मेहर होनी होनी. और ऐसा नहीं कि गुरुजी के रहते ही मेहर होती थी, ऐसा नहीं है. अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड यू ऑल आर अवेयर नाउ, एवरीवेयर संगत साथ जुड़ रही है, और नई संगत तो मेरे को तबीयत इतनी खुश होती है देख के कि वो तो हम तो डाउट कर लेते थे. सच्ची बात है, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, हम में उतनी समझ नहीं थी. जब बहुत कुछ समझ में आ जाता था फिर भी कुछ ऐसा होता था कि यू नो योर डिवोशन वुड गो डाउन अ फ्यू नॉचेस, यू नो कुछ भी ऐसा. कई बार गुरुजी खड़े होके सत्संग ही करवाते थे तो शुरू शुरू में यूं लगता था कि ये क्या है, ये क्यों अपना अपनी महिमा ही क्यों कराते हैं, ये अपना ही वो क्यों कराते हैं, इट्स लाइक ब्लोइंग योर ट्रम्पेट. ये सब ना समझी थी उस टाइम, यही पता नहीं था कि ये वो अपने लिए नहीं कराते, वो जो सुनता है उसके ऊपर भी मेहर हो रही है, जो बोलता है उसके ऊपर भी मेहर हो रही है, और यकीन बनता था. तो ऐसे यू नो गुरु जी की तो मैं बताती हूँ, माय हस्बैंड ही द फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट आई वाज द ओनली वन हु वेंट विद अंकल. तो वापस आके जब बातचीत हुई एक्सक्यूज मी, तो he was sort of influenced and he had also been looking for a guru, a live guru. Unke father jo the bahut paath puja karne wale, again like I said I come from an army family, so his father was also a retired officer and wo bhi unhone sari umar bahut paath kiya. वो राधा स्वामी को मानते थे और बहुत साल उन्होंने बल्कि वहां के डेरे पे भी गुजारे. सो एम बी ऑल्सो वॉज एट अ टाइम यू नो सॉर्ट ऑफ
his leadings were that side. He brought a lot of books and he read them. And but for some reason, jab वो कहते हैं ना कि गुरु आपको खुद बुलाता है, so वहाँ से बुलावा नहीं आया. But he his father would always say कि बेटा पार लगने के लिए आपको एक लिविंग गुरु की जरूरत होती है. तो he was always on the lookout. But so probably you know he thought जैसे गुरुजी हमेशा कहते होते हैं कि शुरू में जो आने वाले हैं वो let's try this also. So he probably came. So did I. Honestly speaking, I mean I went to Guruji. I don't know what made me go there for the first time, but honestly speaking, the life was going very smoothly. There were no problems as such. Chota mota, I mean, like health issues and all is fine. But life was quite contented. We were fine and contented, and the children were sort of settled. So there were no problems, no major issues in life as such. And that was not the reason why we were drawn to Guruji. So the first time when he went, we went inside. Un dino mein Empire State mein, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वहाँ का माहौल कैसा होता था. आई एम श्योर यू हर्ड फ्रॉम पीपल. गुरुजी का जो मंदिर एम्पायर स्टेट का दरवाजा था वो अराउंड यू नो 7:30 और सो 7-ish खुलता था. तो हमारी कोशिश ये होती थी कि गुरु हैं, हमें उनको इंतजार नहीं कराना, हम उनसे पहले पहुंचे. यू नो So we would be there before the door opened, and we'd be sitting in the little veranda. There would be a few more people, and finally the door would open. And when we went in, mostly Guruji would be sitting on this sideboard, which was next to the kitchen, with his legs dangling down. या फिर उसी के ऊपर shoes के साथ ही पालती मार के बैठे होते थे, शायद walk करके आते थे या जो भी. So he would be in his pants and t-shirt or shirt, and he'd be sitting on that. So sab log matha tekte the aur hum log aake apni piche ki taraf jagah pe. Wo probably that was his way ki sab ko wo nazdeek se, kisi ko yun mehsoos na ho ki main piche baitha hu, kuch sangat aage baithi hai, to sabke paas unka time jo hai wo spent ho jata tha. So then he would move into his room, which was on the other end, and then he would dress into his beautiful cholas, and then he would come walking. He was always a very brisk, energetic walker. So he would just whiz past you, leaving a beautiful fragrance as he went past. And then he would go and sit on his singhasan. So, फिर सब लोग जो भी संगत आती जाती थी, माथा टेकती थी, बहुत अच्छे से कीर्तन चल रहे होते थे गुरबानी के. तो that was the time I always noticed that that was the time then Guruji stopped talking. He would in between maybe talk to somebody or you know, just a few words, short conversation, and he'd sit. But as the Sangat came, he was so, vigilant, and he would be sort of looking at each person as if he is going into his soul and reading. I mean, he knew everything. Iske जिंदगी में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में, इसके दिमाग में, इसके क्या चल रहा है. He'd be sitting vigilantly and very alert. Okay. So I was telling you the beautiful atmosphere of the अच्छे शब्द कीर्तन चल रहे होते थे, संगत आती जाती थी और उसको वो सब बैठते जाते थे.
तो यू नो माहौल वहां का मैं आपको बयान नहीं कर सकती, जो माहौल में प्योरिटी होती थी, जो ट्रैंक्विलिटी होती थी, जो इतना ब्यूटीफुल वहां का माहौल होता था। बल्कि मैं जब लोग कई दफा पूछते थे कि सुना गुरुजी के कोई गुरुजी है उनके पास जाते हो तो क्या है कैसा है, तो मैं उनको यही कहती थी कि आप बहुत सारे मिरेकल्स के बारे में सुनोगे, आप बहुत सारे लोगों के सत्संग सुनोगे, इफ यू फील, इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, आई एम नॉट इवन आस्किंग यू टू गेट कन्विंस्ड, आई जस्ट इनकरेज यू टू जस्ट गो देयर एंड सिट एंड सी हाउ यू फील। एंड ऑनेस्टली द जस्ट सिटिंग इन दैट एटमोस्फेयर वॉज लाइक यू आर बीइंग cleansed from within, you know, आप वहां बैठते थे, आपका ना तो यू ध्यान जाता था कि कौन बैठा है, कौन वीआईपी है, कौन यू नो क्रेम दे ला क्रेम, यू वर नॉट इंटरेस्टेड, यू एंड योर गुरुजी। और गुरुजी का वो ऑरा ऐसा था कि आप कहीं इस लेफ्ट राइट कहीं ध्यान आपका जाता ही नहीं था, और इतना ब्यूटीफुल और इतना कामिंग एटमॉस्फेयर होता था, आपको लग, मैं आई ट्रूली मिस दैट। यू नो एट टाइम्स वी हियर दोस कीर्तन्स दैट वर प्लेड देयर एंड यू ट्राई एंड रिक्रिएट दैट एटमॉस्फेयर, एंड यू नो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम आप उस स्पेस में जाते हो एंड दैट्स वो जो इतने घंटे आप वहां बैठते थे और आपके अंदर से आपकी रूह को जो चैन या डिविनिटी का एहसास होता था, वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ट्रूली इतनी मेहर थी गुरुजी की कि हमने वो टाइम गुजारा। मैं आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू इज सो दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ यू नो लर्न कि एग्जैक्टली होता क्या था। तो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ द होल थिंग वेंट, एंड देन संगत आती जाती थी, बैठती जाती थी, एंड गेटिंग बैक टू माय हस्बैंड्स फर्स्ट विजिट, Empire Estate का हॉल, आई मीन इट वॉज अ प्राइवेट होम, सो कितना बड़ा हो सकता था। सो संगत बढ़ जाती थी तो जो सेवादार होते थे उनकी कोशिश होती थी कि सब लोग गुरु जी के दर्शन कर सकें और बैठ सकें। सो दे वुड यू नो कीप टेलिंग यू टू स्क्वीज योर सेल्स एंड यू नो देयर एंडेवर वॉज टू अलाउ एज मेनी पीपल as possible to sit there. So with the result at times you were sort of a little uncomfortable because you know too many people were being squeezed into a small space. So jis dafa MP mere husband pehli dafa gaye unko Guruji Sandhu uncle bolte the, to wo jab aaye to firstly, he has a problem with his back. He has a bamboo back, and he is also not used to sitting on the floor. So, जब हम पहुँचे तो गुरुजी अपने गद्दी पे नहीं थे. So he was made to sit, and he was not even sitting against the wall. So it was very uncomfortable for him. So after a while, जब उनको लगा कि मेरे को बैठना प्रॉब्लम हो रही है, तो so he just got up and he came out. So हम लोग बैठे रहे, तो गुरुजी का लंगर हुआ, हमने लंगर किया, और जब मैंने माथा टेका, तो I think this was my third time with Guruji's, you know, in his lotus feet. तो मेरे को कहते हैं
झंडाल नहीं आया, तो मैंने हाथ जोड़े चुप रही, तो खुद ही कहते हैं बाहर है? मैंने कहा हाँ जी, कहते बुलाओ नो. So my niece who was with me, she went and told my husband ke aapko bula rahe hain Guruji. So he said this wife of mine, she must have told Guruji ke wo bhi aaye, nahi to main to chupchap yahi se nikal jata. He was in the meantime, langar ke liye bhi humne unko bola, humne kaha aa jao, kehte nahi main kar liya. Humne kaha matha to tek lo. कहते आप कहते हो कि गुरुजी की जो गद्दी है वो ही इज्जत के लायक है, तो मैं वहां मत्था टेक आया हूँ, उनको टेक लिया, गुरुजी के टेक लिया, एक ही बात है. एंड टुडे ही इज गुरुजी इज बिगेस्ट भगत. तो बाहर खड़े हुए घर में सेवादार को रिंग करके कह रहे हैं कि ये सब लोग खाना नहीं खाएंगे, मेरा खाना हॉटकेस पे रखो और बियर की दो बॉटल्स जो है वो चिल करो, मैं आता हूँ तो फिर मैं खाता हूँ. गुरुजी को तो अंदर बैठे सब ज्ञान ना कि ये हो क्या रहा, बार बियर की बातें हो रही है. तो कहते हैं आ जाओ. नो आई मीन एम वी वॉज इन द क्यू एंड वी वुड ऑल सिट एंड वॉच गुरुजी. सो ही इज लुकिंग एट द क्यू. And since he was taller and bigger than the other gentleman, he was visible even when he was fourth, fifth in the queue. So Guruji looks at me and, you know, he says, "Aa gaya hai." And he sort of smiled, you know. So when my husband bowed down in front of Guruji, to get there, Till Sandhu, he said, Hanji. Kehte Amat Kaur, kehte Hanji. That's you know, he's with the tanks, so he's in the Amat Kaur. So kehte, I don't know how far it is true, but for some, I mean, the Amat Kaur people consider themselves the elite, like you have the Marines in the US, and you know, they consider themselves the cat's whiskers. So, kehte Amat Kaur, kehte Hanji, and they bahut ego hai. So, kehte nahi Guruji, aisi to koi baat nahi, nahi, bahut ego hai. That was Guruji's way of bringing your ego a few notches down. So he didn't let him go at that. So कहते बैठो लंगर खाओ. फिर कहते ओए यार तुसी संधु हो, संधु तो जट्टा दे मरासी हुंदे. Again, you know, it was I don't know how much you followed. Let me explain that. His surname is Sandhu, and Sandhus are very vociferous, lively, loud people. So, and we are also Jat Sikhs. So what Guruji implied was that you people are so noisy and loud and you know, happy, cheerful people, that you are considered Marasi. To aap samajhte na, jo Marasi entertainers hote the, jo bahut mazak aur ye sab gaon mein, ab mujhe nahi pata younger generation whether they know or not, but they were like sort of court jesters, you know. And the term Marasi to be used for a person who thinks well of himself is a little derogatory. So Guruji's thing was to you know, load the ego or whatever. I have no idea. And then he also says, so MB was he didn't say anything. He wouldn't have.
he knew that he is in the presence of Mahapurush, even if he thought just that at that time. So he kept quiet. And then Guruji, just to let him know that he knows everything, he says, Javai Siddhu, twins, Pudam Siddhu, Sector 16. So, you know, now this was an information which nobody could have given him. He clearly told my husband that your daughter is married to a Siddhu who has a twin brother, and they live in Sector 16 in Chandigarh. And, you know, I mean, there was no way Guruji would know of that, you know, and nobody could have informed him because our trip was an impromptu one. And Guruji se koi baith ke baatein thoda karta tha ki ji ye plana wo hai plana ye koi se koi faltu baat cheet nahi hoti thi. So within a second he let him know ke yeah, I know all about you, I know everything. So wo din tha aur aaj ka din hai, unke charnon mein baithe, unke kadam pakde aur bas unki mehri mehr hai. So again, ifs and buts and doubts. To pehli baat to ye ki guru ji hamesha kehte ki main na ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਗਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਮੈਨ ਫੋਰ ਪਾਰਡਨ ਮਾਈ, ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀਜ਼ ਵਰਡਸ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਐਨ ਅਫੈਂਸ, ਬਟ ਹਿਸ ਸੇਇੰਗ ਵਾਸ, ਦਿਸ ਨਾਟ ਮੀ ਸੇਇੰਗ. He said ke jo aadmi hote hain wo apne apni spiritual development hai to wo apni mangte hain, agar wo advancement in life hai to wo apni mangte hain, par jo aurat hoti hai wo apne sare parivar ka ko aage rakhti hai, pehle unke liye mangti hai aur fir unke liye mang liya to fir wo to she is happy, you know. If her children are fine, her husband's fine, and they're doing fine, if the whole family is doing fine, to usko to sab kuch mil gaya na. To kehte main hamesha ladies ko bless karta hun. That is what he would say. So mera to yakeen, I mean, bahut jaldi ban gaya. And MPP, he could see, you know, you didn't have to be told that nahi nahi mano guru ji bahut bhagat hai, bahut bade cheez hai, ye bahut mahapurush hai, wo aapko ehsaas apne hone lagta tha jo unko bhi hota tha. But his problem was ke wohi baat na, ye why we took so long to go to guruji, halanki jab chandi mandir mein the हमारी पोस्टिंग, तो गुरु जी पंचकुला आके रहे और हमको किसी ने जनरली बात होती थी पार्टीज में, सो वी डिड हियर हिज मेंशन के कोई गुरु आए हुए हैं, वो बहुत मदद करते हैं और स्पेशली फौजियों को वो बहुत बहुत उनके काम करते हैं. तो हमें मे बी जो हमने सुना वो सही नहीं था, यू नो हाउ इट इज, यू जस्ट हेयर अ कॉन्वर्सेशन हेयर एंड अ कॉन्वर्सेशन देयर, एंड यू अपना छोटा सा जो बहुत मंद बुद्धि है वही लगाते हम. तो हमने कहा कि ये कैसे गुरु हैं जो आपके काम कराते हैं. वी नेवर फेल्ट द नीड टू गो. तो असल बात तो ये है कि आपने जाना तब था जब आपको गुरुजी का बुलावा आना था. तो वो जब आप वहां पहुंच जाते तो आपके शक शुबा सब अपने आप को दूर करते. जैसे मैं कमिंग बैक टू एमपी एंड आई डोंट थिंक बीइंग अ सिख
हम तो सिवाय गुरु ग्रंथ साहिब के या गुरुद्वारे के और कहीं देखने का सवाल ही नहीं होता. मोस्ट ऑफ द सिख फैमिलीज यू नो आर लाइक दैट. दे विल नॉट गो टू अ they'll not go to a dargah, yeah, they'll not go anywhere. I mean, you know how it is. I don't need to tell you. So, वैसे ही हम थे. तो अब सारी उम्र आपने अगर गुरु नानक देव जी के आगे हाथ जोड़े तो MP उनको जब MP ढूंढते रहे गुरु को और नहीं मिले तो उन्होंने अपने मन में ये तय कर लिया कि मेरे गुरु तो गुरु नानक देव जी. मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ तो मेरे तो गुरु को ही है. तो जब आने लगे और गुरु जी के पास डिवोशन होने लगी तो ये थोड़ी सी उलझन दिमाग में रहती थी कि अब क्या ना सडनली यू से ओके गुरु नानक देव जी you take a back seat and now only my Guruji. So ये थोड़ा सा कहीं महसूस होता था कि ये ये अब ये कैसे हल हो सिलसिला. तो गुरुजी तो जानी जान एक दफा अभी जाते हमें तकरीबन महीना शायद हुआ था या कुछ ऐसे. तो गुरुजी कहते हैं आप लोग बड़े मंदिर गए हो. So we didn't even know about the existence of Bade Mandir then. क्योंकि हम लोग जब जाते थे हम लोग चुपचाप वहां बैठते थे और उठ के आ जाते थे. हम ना तो किसी से बात करते थे. जो गुरु जी सत्संग सुनवाते थे लोग खड़े होके करते थे वो सुनते थे और that was it. So we were not interacting with anybody there. We were not socializing. Socializing का तो वहां मतलब ही नहीं था ना. So anyway, so we had no idea that there is a bada mandir also. So aap bade mandir gaye ho? Humne kaha nahi. To kehte kisi ko kehte inko leke jao. So mujhe dhyan bhi nahi kaun the. Raja please put the latch on. To gaye hum to sabse pehle wahan MP kya dekhna hai ke वहां पे गुरु नानक देव जी की शिव जी की मूर्ति है गुरु जी की पिक्चर है और उसके साइड में गुरु नानक देव जी की. एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही स्माइल्ड के देखो गुरु जी ने मेरा मसला हल कर दिया. ही इज टेलिंग यू दैट वी दे आर ऑल वन. दे आर ऑल वन. दे आर ऑल. और ये ऐसी है जो हम अपने दिमाग में डाल लेते हैं बातें तो ये साफ भी उन्होंने की है ना. सो दैट वाज इट. तो ऐसे गुरुजी के पास जाते जाते कुछ देर के बाद एमपी की रिटायरमेंट का टाइम आ गया तो हम लोग यहाँ चंडीगढ़ आ गए. फिर हम यहाँ से जब भी जाते तो गुरुजी का हुक्म यही होता था कि आप चारों दिन मैं आपको बताते छोटी छोटी बातें कैसे कैसे आपको खुशी देती थी और कैसे गुरुजी इतनी आपकी छोटी छोटी फरमाइश का ध्यान रखते थे. कोई बात आपके जो दिमाग में होती थी उनसे छुपी नहीं रहती थी. तो ऐसे ही हम लोग एक दफा गए तो वी वर स्टेइंग विद द फ्रेंड्स ऑफ आवर्स. So we borrowed their car and hum log gaye. To jaise hum pahunche to wo kehte ke sevadar kehte ke ji purani sangat upar purani sangat upar. So there was jab sangat zyada ho jati thi to kuch sangat upar baith jati thi. तो मेरा तो बड़ा दिल खराब. मैंने कहा कि गुरुजी तब अपने कमरे में थे और आए भी नहीं थे शायद. मुझे यूं लगे कि इतनी देर के बाद हम आए हैं महीने के बाद आए हैं और उन्होंने तो ऊपर भेज दिया तो गुरुजी के तो दर्शन भी ना हुए.
तो गुरु जी नजर भी नहीं आएंगे, तो मेरे को जरा भी अच्छा नहीं लगा। ऊपर चले गए हम, चुपचाप बैठे भी रहे। जो गुरु जी का हुक्म होता था, सेवादार जो बात कहते थे वो मानते थे, हम लोग नहीं, सब लोग मानते थे, क्योंकि वो गुरु जी के हुक्म से ही होता था। तो जरा भी दिल ना लगे ऊपर, ना गुरु जी नजर आए, ना कुछ, लंगर के टाइम नीचे आए और के बाद मत्था टेका और जब गुरु जी ने इजाजत दी तो हम चले गए। तो नेक्स्ट डे, क्योंकि मैंने बताया कि गुरु जी का हुक्म होता था कि चारों दिन आओ, तो नेक्स्ट डे जब गए तो उनकी गाड़ी में जो बोरो की हुई थी हमने, उसमें छोटा सा गुरु जी का स्वरूप उसमें। तो मैं तो सारे रास्ते गुरु जी से झगड़ा करती हुई गई, मैंने कहा गुरु जी दैट्स नॉट फेयर, इतनी दूर से हम लोग आए हैं और आपने जाके बिठा दिया हमको ऊपर, ना हम नजर आए ना कुछ, क्या हो क्या, ऐसे थोड़ा होता है। तो मैं तो शिकायत सी करती हुई जाए, मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं बैठना ऊपर, ऊपर हम आए हैं, हम ये क्या नई बात आपने शुरू कर दी है पुरानी संगत ऊपर, यू नो चाइल्डिश सिली। बट एनीवे, सो जब वहां गए तो गुरु जी अपने बैठे हुए थे, तो मैंने जैसे ही मत्था टेका, उनके सामने जबान नहीं खुलती थी, कोई ये नहीं है शिकायतें हम चुपचाप भी करते थे अपने मन में, उनके सामने तो मतलब ही नहीं। तो कहते मैंने मत्था टेका और कहते जा फिर बह जाओ, यू नो एज सो स्वीटली, आई मीन आई कैन नेवर गेट, यू नो हाउ ही वुड इंडल्ज यू, यू नो कि इतनी स्वीटली, यू नो कि जैसे आपको बुजुर्ग नहीं कहते कि चल ठीक है तू सिली है चल जा बैठ जा। सो द सेवादार आल्सो टुक अ क्यू, ही डिडंट टेल अस टू गो। तो मैं बताती हूँ कि कैसे वो आपकी छोटी 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 बातों का ध्यान रखते थे, और कैसे वो संगत को संगत की बॉन्डिंग कराते थे। एक दफा एमपी को ऑफिशियल ट्रिप पे जाना था सिंगापुर, सो आई आल्सो टैग्ड अलोंग, एंड गुरु जी को तो सब पता होता है, तो कहते सिंगापुर जा रहे हो, तो मैंने कहा हाँ जी, या इन्होंने शायद कहा कि गुरु जी नेक्स्ट वीकेंड नहीं आएंगे क्योंकि ऑफिशियल ट्रिप है, कहते अच्छा, कहते थोड़ी देर के बाद कहते चलो फिर सिंगापुर जाके सत्संग करो, वो थे उषा आंटी है और एमपी हस्बैंड्स आल्सो एमपी, उनके पास जाओ सत्संग करो, एंड गुरुजी रैंग देम अप, एंड यू नो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सत्संग वी हैड एट देयर प्लेस, दे हैड सम अदर पीपल आल्सो ओवर, उनके साथ बैठ के इतना ब्यूटीफुल सा सत्संग हुआ, और टिल डेट वी रिमेम्बर दैट। जो जो चीज में जिस चीज में भी गुरुजी का इन्वॉल्वमेंट होती थी, वो आपको इतनी ज्यादा आपको उस चीज से खुशी होती थी, और यू फेल्ट सो ग्रेट कि गुरुजी आपकी आपको ध्यान में रखते हैं, आपको या आपके बारे में सोचते हैं, आप उनकी थॉट्स में हो। तो ये बातों से कितना कितना अच्छा लगता था, इतनी तबीयत खुश होती थी कि हम क्या चीज हैं, और गुरु जी हमारी भी छोटी छोटी ख्वाहिश का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही एमवी ट्रैवल करते थे, इनकी जो पोस्ट थी उसमें इनका काफी ट्रैवलिंग होता था, तो एक दफा इनको यू नो ही वुड गो ऑन दीज ऑफिशियल विजिट्स टू हैदराबाद और सिकंदराबाद या वेरेवर, सो कई हम लोग गुरु जी का सत्संग मिस नहीं करना चाहते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि ये कहते थे कि नॉर्मली ही वुड नॉट यूज हिज ऑफिशियल कार, बट वंस इन अ व्हाइल ही वुड से कि ओके मैं इतने बजे मेरी फ्लाइट लैंड करेगी, मैं एयरपोर्ट से सीधा आ जाऊंगा
और आप ड्राइवर लेके और आप सीधे पहुंचना, फिर हम लोग बाहर ही इकट्ठा होके और फिर हम वी वुड वॉक इन टुगेदर गुरु जी मंदिर। तो ऐसे एक दफा, कई दफा, दो तीन दफा ऐसे हुआ। और कई बार ऐसे होता था कि वीकेंड्स पे ऑफिशियल पार्टीज हो जाती थी, तो फिर भी हम मिस नहीं करना चाहते थे गुरु जी का पास आना। तो एक दफा मुझे याद है ऑफिशियल पार्टी थी, तो ये कहते कि वो यू नो इट्स कॉकटेल्स, तो ये सब के 9:30 बजे खत्म हो जाएगी, तो फिर हम उसके बाद वहीं से वील ड्राइव डाउन टू गुरुजीज मंदिर। तो अब ऑफिशियल पार्टीज कई बार इनके वो 6B ड्रेस होती है, जो यू नो द ट्यूनिक, वाइट ट्यूनिक विद देयर मेडल्स एंड ऑल द पैराफर्नेलिया एंड ब्लैक ट्राउजर्स। So he would keep a normal shirt also along with him because he couldn't have gone like that to Guruji. So ek dafa unhone raaste mein ruke aur andheri si jagah mein khade hoke aur wo shirt unhone change kari Guruji ke mandir pahunchne se pehle, aur then we went to Guruji's. तो एक बार किसी से हमको पता चला, और मैं बताती हूँ कि कैसे छोटी छोटी बात से हमको इतनी खुशी होती कि गुरुजी हमारे बारे में बात भी करते हैं। तो उनको किसी को कहते हैं कि वो कहते हैं आप संधू अंकल आंटी, हमने कहा कहते हो गुरुजी अभी आपकी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि मेरे बहुत संधू बहुत मेरा भगत है। कई बार आंटी कितों आंदी है कि एयरपोर्ट तो आंदा है, फिर कट्ठे होके आ जाते हैं, कदे कदे तो राह दे विच कपड़े भी बदली करके आ जा। सो गुरु जी हमारे ऊपर इतनी मेहर, हमारे ऊपर मैंने से दैट आई मीन द होल संगत, कि हम सब उनकी नजर में है। ऐसा नहीं कि वो ही हैड एनी He had any favorites or any special people. हाँ, थोड़े फौजियों के लिए he had a soft corner. कहते भी होते थे, कहते फौजियां दा मैं करता है क्योंकि इन्ना विचारियां दा होर कोई नहीं करता। So that was his grace. That was his grace. And सब पता तो गुरुजी को सब पता। और गुरुजी खुद कहते होते थे, आपने और भी पुरानी संगत को कहते हुए सुना होगा कि टेस्ट करते थे गुरुजी, आपको अच्छे से टेस्ट करते थे। ऐसा नहीं कि इम्तिहान नहीं होते, होते थे। खुद कहते होते थे, कहते मेरे पास जो भी आता है उसको जैसे एक बेरी के बेर होते हैं, तो पहले मैं उनको बेरों को अच्छे से पकाता हूँ। ये मैंने उनको कहते हुए सुना है कि पहले मैं बेरी ते बेरा नु पकाना है। यू नो ही वुड गिव देम फ्रेग्रेंस, इवन एट होम यू वुड हैव फ्रेग्रेंस एंड ही ब्लेस्ड यू एंड ही यू नो पुट डिवोशन इन योर हार्ट। एंड फिर वो कहते सी कि फिर मैं उस बेरी नु हिलाना जोर दी, जेड़े बेर डिग गए वो डिग गए ना। तो जो कोई तो आया और अपना यू नो जल्दी से काम करवाया और फिर भूल गया, तो फिर वो जाता था। और कहते जेड़े बेर रह गए उन्होंने फिर मैं चंगी तरह नींबू वांगू, हिज वर्ड्स, नींबू वांगू निचोड़ के फिर वो मेरा असली भगत बनता है। सो ऐसा नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ऐसा नहीं कि आपको गुरु जी आजमाइशों में नहीं डालते, डालते बिल्कुल डालते हैं। और यही है कि प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसमें आप अगर अपना फेथ बरकरार रखते हो, उसमें डगमगाते नहीं हो, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी,
ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में नहीं आते, ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, इट कांट बी. वो ही कहते थे कि कुछ कर्म तो आपको भी काटने हैं ना, बहुत अपने ऊपर लेते थे और अब भी लेते हैं, अब भी लेते हैं. गुरु जी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दूर करते थे, हमने खुद देखा है, उनके बॉडी पे नजर आता था, उनके सडनली यू नो फ्रॉम ब्यूटिफुल रोजी पिंक कम्प्लेक्शन सडनली नेक्स्ट डे यू एंड यू वुड हैव दीज डार्क पैचेस ऑन हिज हेड और ऑन हिज फीट. और जो सेवादार कभी कभी बात हो जाती थी तो बताते थे कि जब बहुत बड़ी हीलिंग करते थे तो ही वुड बी वॉमिटिंग ब्लड. तो बहुत कुछ वो अपने ऊपर लेते थे. तो गुरु जी की तो बहुत बहुत मेहरबानियां, उन्होंने बड़ी इतने लोगों के ऊपर इतनी इतनी मेहरें करी हैं, ऐसे इनविजिबल शील्ड की तरह है आपके इर्द गिर्द ना आपको. मुझे यूं ध्यान आता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स दी आपने, पर ये है कि इतना बड़ा आपके ऊपर प्रोटेक्शन महसूस होती है और इतना हौसला मिलता है. जब भी आप तकलीफ में होते हो, प्रॉब्लम में होते हो, तो आपको लगता है कि है ना गुरुजी, कुछ नहीं होने देंगे. इतनी बड़ी आपको यूं लगता है कि आपके इर्द गिर्द उन्होंने एक ऐसा शील्ड, इनविजिबल सी शील्ड बना रखी है टू प्रोटेक्ट यू. तो वो जो भरोसा है ना, वो कभी डगमगाने नहीं देना. वो आई एम नॉट लाइटन्ड इनफ टू नो गुरुजी's ways, I mean no way. Enlightened तो बहुत बड़ी बात है, हम तो किसी काबिल भी नहीं है, हम बहुत ना समझ है, बहुत बहुत कम समझ वाले हैं. गुरु जी की बातें नहीं समझ में आती. तो मैं बताती हूँ कितनी दफा उन्होंने हमको तकलीफों से बचाया. I was driving down, my husband was in the hospital for a minor operation. So I was driving down in our little then, and you know, I just looked up at the big billboard, and when I looked down, there was a divider in the road which suddenly ended. And when I looked up and I looked down, and suddenly I see this young lady on a scooter or a whatever, Luna. She suddenly whizzed past me and turned suddenly to the right. I was taken aback. I have been driving for a number of years. I couldn't claim to be a very great driver, but I've been driving all my life. So suddenly she came right in front, and then I turned my wheel, and I have no recollection after that. I just went blank. I managed to save that girl, but then I went and almost went towards a little kiosk, and I saved myself from that, and I turned left. And then I went and banged into a pole. And the car just stopped with a thud after banging into the pole. And if I had not hit the pole, I would have gone many feet down, because there was a sudden drop there. And I mean, all this happened within a few seconds, and I mean, I hate to relive that, but anyway. So suddenly people collected, and when they saw the car, the condition of the car on the right side, and it had completely caved in,
from the window. You won't believe, all three pedals of the car were not visible. The car had just sort of, with the impact, totally caved in. I have no idea how my feet got lifted up and my chappal was broken. There was not even a minor scratch. I'm telling you the absolute truth, not even a centimeter scratch on me. Other than being shaken, nothing happened, nothing. And these people who saw the car, they said, her legs are gone. I was shaken, I was trembling. They said, they got me water and this and that. And they said, why don't you come out? आप बाहर, इनको बाहर निकालो, इनको बाहर निकालो, इनकी टांगें गई. तो I said, no, I'm fine. So they said, then you come out. I said, no, I'm not coming out. I knew my legs would be shaky and I'll make a fool of myself, all these, you know, strangers and things. I said, no, I'm okay, I'm fine. So they said, what do you want us to do? And I was fine. I just called my brother who came within no time. And Guruji ki meher dekho, कैसे वो आपको बड़ी बड़ी, ये मैंने, मैं अपना नहीं बता रही हूँ, मैंने इतने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं जहाँ गुरुजी उनको यूं अपने हाथ से यूं बचा लेते हैं. कैसे बचा लेते हैं वो ही जाने. और ऐसा भी नहीं कि मैंने गुरुजी को याद किया, I was too busy handling the situation at that time. मुझे तो गुरुजी का ध्यान भी नहीं आया, सच्ची बता रही हूँ. ऐसा नहीं कि मैंने गुरुजी को याद किया कि बचा लो गुरुजी, nothing of that sort. वो तो everything happened in a jiffy. तो that was one. कैसे आपको गुरुजी ने यू सिचुएशन से यू निकाल लेते थे. And I remember walking up to the hospital. I didn't want my husband, who'd already had a surgery, and I didn't want to, put him under stress. So he looked out of the window and he said, "Tu ne car wahan park nahi kari?" Maine kaha, "Nahi, maine udhar kari." And then suddenly I sort of, collapsed and I started crying. And he said, "What happened?" I said, "Nothing. I fell down in the stairs." So we didn't tell him for a day, and then of course next day told him. And he is one of those people who says, "Hey, ek bar problem ho jaye, fir wo kuch nahi kehte. Pehle sher bane hote hain, khub daantte hain, ye sab. Par ek bar kuch ho jaye, fir wo kuch nahi kehte. Ho gaya, so ho gaya. Nothing can be done about." So anyway, that was one. Ek dafa hum log aise, we came out of the club. My brother-in-law was driving. I think it was the same car. And my husband was sitting next to him. My sister and I were sitting at the back. I was sitting behind, my brother-in-law was driving and I was sitting behind him. We came out of the club in Chandigarh and we are crossing the road, and suddenly this ambassador, an official ambassador, comes and rams right between the front and rear window of the driver. And again, the car was sort of pushed quite a few feet back with the impact. He came with full force and hit us square between the two windows. And again, will you believe it? The car caved in, but nothing happened to Nikki, my cousin, my brother-in-law. Nothing happened to, not even a backlash. Can you believe it? And we are not young. Itni si choti si choti bahut badi ban jaati hai, but nothing. And I think he then tried to open the car. And when he did, something scratched him on the arm. And that was the only hurt he got. Otherwise, we've seen, you all know,
the impact of such accidents. Again, Guruji's mehr. Pata nahi kaise wo aapko kaise bacha lete the problems. So, koi hai ki मैं आपको बताती हूँ कि कितनी कितनी प्रोटेक्शन है उन गुरुजी के हमारी जिंदगी में आने से, हमारे ऊपर कितनी मेहर है, कितनी ज्यादा मेहर. और जाता पहुंचता गुरुजी के पास वही जिसका जिसको हुक्म है, जिसको जिसका टाइम आया. अब देखोगे बहुत लोग आप मिलोगे वो दे विल से यस ओके ऑल फाइन योर गुरुजी बट वी आर फाइन वी आर ओके. तो नहीं आएंगे जिसको हुक्म नहीं है. आप वो चाहे आपके कितना बड़ा मिरेकल सुन लेगा वो नहीं आएगा. प्रोबेबली यू नो ही इज नॉट मेंट टू और ही इज टाइम हैज़न्ट कम और इट विल बी लेटर और व्हाटएवर और मे बी ही इज ऑलरेडी विद गुरुजी इन सम अदर फॉर्म. हम लोग ये कहते थे कि जो नहीं भी आता वो अपना नाम रजिस्टर करा गया, वो पहुंचेगा सूनर और लेटर. गुरुजी कोई सिर्फ महापुरुष थोड़ा ही है, वो तो परमात्मा है हमारे. तो वहां उनके पास तो सूनर और लेटर पहुंचना ही पहुंचना है किसी भी तरह. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज माय सन इन लॉ एंड माय डॉटर, वो गुरुजी मेरे के भगत नहीं है. और सन इन लॉ अगेन लाइक ही इज अ वेरी you know, he's very firm in his ideas, or I would say that he's not open-minded. So, वो जैसे मैंने बताया गुरु ग्रंथ साहिब के और गुरुओं के दस गुरुओं के अलावा किसी को नहीं मानते. और now my daughter, because she's married to him and she's influenced, you know, and or whatever, I have no idea. But we've never forced our children. Our son has always been Guruji's bhagat. जब गुरुजी चोले में थे तो हमें हैरानी होती थी कि young man was fond of his drink and was fond of his gallivanting, and he would be sitting in Guruji's sangat for hours and hours. जो कभी गुरुद्वारे में एक मिनट के लिए मत्था टेकने को भी बैठ के और उसको लगता खुद कहता था कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं थोड़ी देर नीचे बैठता हूँ तो मैं तंग हो जाता हूँ, यहाँ उठने को दिल नहीं करता. सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट माय सन इन लॉ, ही डिड नॉट बिलीव इट एंड नॉट डिड आवर डॉटर. हालांकि गुरुजी ने उसको एक दो दफा कहा, बेटी नहीं आई जब दिल्ली में थे, बेटी नहीं आई. तो जब वो आई हुई थी तो कहते बेटी नहीं आई. तो फिर हमने उसको बोला तो उसको, क्योंकि वो हमसे सुनती रहती थी तो वो थोड़ा सा डरी कि कहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली. सो शी केम एंड शी केम जस्ट वंस एंड दैट इज इट एंड वी नेवर टोल्ड हर. दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू डोंट फोर्स ऑन पीपल. सो एक दफा हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, वी वर गोइंग टू अमृतसर, एंड हमारा मन किया कि हम भी गुरु जी के जलंधर से थ्रू जाना था तो हम मत्था टेक के जाएं. जब गुरुजी चोले में थे, उससे पहले भी हम लोग एक दफा जलंधर गए थे तो वहां आपको इजाजत लेनी पड़ती थी. तो वी हैड रंग अप समबडी इन दिल्ली एंड वी हैड चेक्ड कि वी लाइक टू गो टू बड़े मंदिर, डू वी हैव गुरुजी परमिशन, सेवादार से पूछा. तो गुरुजी ने बोला हाँ जरूर जाओ. इनफैक्ट ही टोल्ड केयर टेकर देयर सुदामा कि आप जल संधु आएंगे, उनको अपने लंगर खिला के भेजना. सो दैट वे, सो दिस टाइम ऑल्सो वी ट्राई टू कॉल बट वी कुंट गेट थ्रू. वी वर वंडरिंग कि हम बगैर इजाजत के जा रहे हैं, पर चले जाते थे लोग, चले जाते थे. हाँ उधर जाके अगर नहीं इजाजत होगी तो दरवाजा नहीं खुलेगा. सो एनी वे वी हैड डिसाइडेड दैट वी गो. So as we, even though our son-in-law, even though he did not believe in Guruji, but he felt that inki khwahish hai, to chalte hain.
और हमारे दिल में थोड़ा सा ये भी कि शायद इनके ऊपर भी मेहर हो जाए, ये गुरु जी को मानने लगे, यू नो, यू वॉन्ट योर चिल्ड्रन. यूं तो गुरु जी कहते थे कि एक जाना अगर फैमिली का मेरे पास आ गया ना, तो आपकी सारी फैमिली बेस्ट है. तो फिर भी हमारे दिल में ख्वाहिश थी कि ये क्यों ना गुरु जी के चरणों में आ जाए. तो he didn't say that no, I'd not like to go. He said, "Theek hai, okay, we'll go." Now I don't know what he had in mind, whether he was going to go in or not, is a different story. But so as we entered Jalandhar, you know, it was absolutely sunny and bright and perfect weather. As soon as we drove into Jalandhar, it started raining. And then it started raining so heavily, within a short span of half a kilometer, it was raining. It was bucketing down to the extent that suddenly there was waterlogging, or car neechi thi. We were also concerned कि उसकी नई गाड़ी है और लग्जरी कार है, तो बाबा जवाई साहब है, तो यू नो, एक दो दफा हमने कहा भी कि रहने देते हैं, जो इट सीम्स टू बी फ्लडिंग हियर एंड लेट्स फॉरगेट इट. वी सेड नहीं, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं. सो एज वी मूव्ड फॉरवर्ड, the water was increasing, and it was, we were very surprised ke ab to thook nikli hui thi aur ab ye haal hai. So then we realized that we cannot move forward, the water was so much. So we turned around and we headed back towards Amritsar. And Sangatji, you will not believe, the moment we stepped out of, the moment we drove out of Jalandhar, it was the same. Sun, dry, not a drop of rain. It was as if unko wahan jaane ka hukam. So, you know, that further convinced us that they should be left. So, वो फिर अब ऐसा नहीं कि अभी हमें कई बार ध्यान आता है जब वो प्रॉब्लम्स में होते हैं, कुछ उलझन होती है, तो फिर बाज नहीं आते हम फिर कि आप करके तो देखो, हमारे गुरुजी का कमाल तो देखो, आप मान के तो देखो, फिर भी हम बाज नहीं आते. बट आई थिंक दिस रिमाइंड्स मी दैट वी शुड लिव, है ना. सो दैट वाज दैट. और let me check the time. I hope I. Sangatji, would you like me to carry on? Auntie, please continue. Please continue. If that's okay with you. We are loving it. इतना प्यार है और इतनी सिंपलिसिटी और इतनी ह्यूमिलिटी है कि हम सब ऐसे हैं, उस रूहानी सफर में आपके साथ हैं बस. I'm so happy, but let me tell you, this should end here. Okay. मैं कुछ भी नहीं हूं. मैं, गुरु जी कहते थे जीरो होके मेरे को लाओ, जीरो. हाँ, हम कुछ भी नहीं है. आप पुरानी संगत के एक्सपीरियंसेस सुनते हो, इंजॉय देम, इन लव अस फॉर व्हाट वी आर, बट डू नॉट consider us to be mediators between you and Guruji. ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका connection, हम बहुत कमजोर हैं, हम लोग बहुत उलझनों में भी आ जाते हैं, हम लोग किसी काम के नहीं है. सच्ची बताती हूँ, हम, we are very human, and despite having spent Guruji की मेहरों के बाद भी हम गिरते हैं, हम कमजोर होते हैं. किसी को अपने और अपने गुरु के बीच में नहीं आने देना. आपका कनेक्शन डायरेक्ट हो. कभी यू नहीं सोचो कि ये लोग, ये इनके साथ इतने एक्सपीरियंस हुए हैं तो ये पहुंचे. आपके साथ हुएंगे और हो रहे हैं. मैं देखती हूँ, इट इज
it is so heartening to see young people getting connected, or kitne experiences, everybody who's connected with Guruji will have experiences sooner or later. You know, aap sabke saath aisa hoga. आप सबके ऊपर प्रोटेक्शन है गुरु जी की, जो उनको मानता है जो जिस जो एक जन्म परिवार का उनके साथ लग गया, उसका सारा परिवार तर गया, समझो तो किसी को बीच में नहीं लाना अपने और अपने गुरु. ग्रेटफुल कि आपने ये बोला है, बिकॉज लॉट ऑफ संगत हु हैज कनेक्टेड, they are, you know, just beginning to come into Guruji's satsangs, and I'm so glad ki aapne ye bola, because, you know, it really helps. Ye bahut zaruri hai. Ye bahut zaruri hai. Bilkul. Haan ji. So, yes, by all means, hear our satsangs, enjoy them. It will give you an insight into what it used to be like, you know. And Guruji to dekhte the, aisa nahi ki can't nahi. The other day I was listening to somebody's, humko ego aati hai. Aisi baaton se hamara dimag ghoomta hai, hamara dimag kharab hota hai, jo nahi hona chahiye, na? So, jaise main, so sweetly somebody, I forget whom, I was listening to somebody's satsang, to kehte ke hum to itni der se ja rahe the, to humare friend takleef mein the, main unko leke gaya, aur unko वो घबराए हुए थे कि क्या करना है गुरु जी के, जब गुरु जी चूल्हे में थे. तो कहते कि हम उनको लेके गए और हमने उनको कहा कि बस आप यू जस्ट मेरे पीछे रहना, मेरे को फॉलो करना, कुछ फालतू बात नहीं करना, मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना. सो ही वाज सो स्वीटली एंड इन सच विद सच ह्यूमिलिटी वाज सेइंग कि हमारा दिमाग देखो कि हम सोचते हैं कि हम बहुत गुरु जी के नजदीक है, हम जानते हैं सब कुछ. तो कहते कि वो जब उसको मैंने कहा कि मैं तेरे को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो कहते कि वो लंगर के टाइम या जो भी, वो जब माथा टेकने का टाइम आया तो वो जो जिनको साथ लेके आए थे वो तो आगे हो गए, और ये चार पांच कदम या पांच लोगों के पीछे हो गए. तो कहते उसकी तो अभी बारी आनी थी, और वहां पे गुरुजी ने मेरे को उस लाइन से अलग किया. कहते चलो, एंड यू नो गुरुजी कुड बी वेरी कर्ट एट टाइम्स, जब हमको बंदा बनाना होता था तो अच्छे से बना देते थे. तो कहते चलो बाहर और आउट. कहते उस दिन मेरी समझ में आया कि मैं अपने आप को क्या समझ के बैठा था, कि मैं क्या चीज हूं, मैं गुरुजी के ज्यादा नजदीक हूं, ऐसा कुछ नहीं था. और ऐसी ऐसी वो हमारे अच्छे से जल्दी से, मैंने आपको बताया ना शुरू में सन्नो अंकल के साथ, वो बहुत डांट पिटती थी गुरु जी से. मैंने बहुत लोगों को गुरु जी के सामने कोई छोटी सी गलती, कोई, मैं ये बताती हूँ कि इट वॉज सच अ वंडरफुल चेक ऑन यू कि आप अगर गुरु जी के पास आते हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करके वहां पहुंच जाओ, कोई भी गलत काम करके, और आप वहां अपने और काम कराने पहुंच जाओ. और आप, हमने अपनी नजरों के सामने गुरुजी को, लोगों को जो गलत काम में थे, इतना बेइज्जत करते हुए देखा है. इट वॉज सच अ ग्रेट चेक ऑन एवरीबडी, द यंग पीपल, द मिडिल एज, द ओल्ड, द करप्ट, द रॉन्ग पीपल. आई मीन आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, but it was such a great check on people ki ye jagah aisi hai, yahan aap kuch galat kaam kar ke nahi pahunch sakte, aur pahunchte ho to fir bhuktoge acche se. main logon ke experiences nahi share karna chahti, because it's not my place to do it, but aise experiences se जो गुरु जी के वहां होते थे, बहुत बात समझ में आती थी. ऐसा नहीं था कि आप कुछ भी करो और फिर आप पहुंच जाओ, फिर आपको भुगतना पड़ता था. तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ
thinking that this person is one-to-one with Guruji and let me put my request to Guruji through that person. No. Have your own connection. Build your own bond. Our son once, he's a shippy. He was going to go on the ship and we went for Guruji satsang. Guruji locket apne haath se sabko de rahe the. To uski baari aayi usko nahi mila. To jab akhir mein usne matha teka to kehta Guruji meri ek request hai. To kehte bol young logon ko bhi bada indulge karte the. Bahut pyar karte the bachchon ko hamesha. To kehta Guruji mere ko bhi apna ek locket de do main ship pe ja raha hu. He kehte haan haan haal hai. So he gave him that locket and then he says Guruji ek request ho raha hai. Main tonu kade kade phone kar liya kara. To kehte I mean, it's such a beautiful thing. He still not managed to do it. I mean, I always keep reminding him. So, kehte Guruji, ek request hor, main tuhanu kade kade phone kar liya kara. To kehte nahi, phone ta mummy daddy nu karida. Apni to telepathy chalugi. So, you know, Guruji gave you hints that if you connect with him, he will take steps to come in your direction. But the thing is that we have to make that effort. Hum bhi kaun sa, main to batati hu, my husband, yes, he especially takes time out for Guruji in early morning. Main to I ulji rehti hu, main to grandchildren or family or ye aur Guruji ka hi hukam hai, khair wo bhi ke pehle apni family mein khush raho. Ye wo hamesha kehte the कि हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स बन के रहो, घर दे विच कलेश नहीं होना चाहिए, घर दे विच खुशी बना के रखो. तो मैं तो सोचती हूँ कि परमात्मा गुरु जी ने मदर और ग्रैंड मदर बनाया है, तो मेरी तो ड्यूटी है टू कीप पीस एंड क्वाइट एंड यू नो गुड एटमॉस्फेयर इन द हाउस. तो गुरु जी को याद घूमते फिरते सारा टाइम कर लेते हैं, बट आई कैन नॉट, आई डू नॉट sit and meditate. Of course, gratitude is 24/7 ke unka shukrana acha hua hai to bhi, kuch acha nahi hua to bhi. So unko yaad sara time karta hai. Guruji aapke saath hai, aap jahan bhi ho. The thing is that you have to have that faith and you have to have that strong resolve ke aap जहाँ हो गुरुजी आपके साथ हैं. मैं आपको बताती हूँ, हम लोग कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, यू नो, वी थॉट लेट्स गो अब्रॉड फॉर अ ट्रिप. यू नो, वी थॉट बिफोर वी बिकम टू ओल्ड टू वॉक अराउंड एंड मूव अराउंड एंड एंजॉय यू नो फॉरेन टूर्स, लेट्स गो टू यूरोप. तो हम लोग फैसला हमने ये किया कि हम ये जो प्लान टूर्स होते हैं वो नहीं करेंगे, हम लोग खुद करेंगे. सो वो माय हस्बैंड लेफ्ट टू मी सेड कि मैं तो कोई इतना शौकीन नहीं हूँ जाने का, अब तू, तेरे साथ जाना है तो तू कर ले जो कुछ करना है. यू फाइंड आउट वेयर यू वांट टू गो, यू फाइंड आउट वेयर यू वांट टू स्टे, यू डिसाइड वेयर. I'll just follow you like a good husband. So he was very kind, and but he left the whole thing to me. So aajkal thoda bahut hum bhi seekh gaye hain computers, to maine phir ghumaya computer or I worked out the whole program, and then he along with my then he came in when we had to buy the tickets and do the bookings and things. So गुरु जी को मैंने कहा कि गुरु जी हम निकल रहे हैं, ले लिया है पंगा टू डू इट ऑन आवर ओन, तो बस फिर आप साथ हो, अब कहीं गड़बड़ नहीं होने देना, घूमे ही ना फिरे कहीं हम. सो यू नो वी हैड डन आवर बुकिंग्स इन वेरियस
Airbnbs and wherever it was not possible in the hotels. So it was a tour of about 23, 24 days and a number of European countries, 5-6. So, निकले हम. मैं आपको ये बता रही हूँ कि for an elderly couple who is not the sort who travels, who is not globe-trotting, trotting every day, and going to countries where language is a problem, you know, Germany and France or देखो नाम भी नहीं याद आ रहा है. You know, the places that we visited, a European country above, but can't get the name. So anyway, where English is a problem, the language is a problem. So we went to all these places. Not a single time did we get stuck. Not a single time did we have a problem. And where people say that people do not speak to you in France, say, if you do not know French, they don't even entertain you. So even in places like that, though we had, I had picked up a little bit of French a number of years back, so that came in handy, but still people came to help you like Guruji had actually placed angels on our way. Wherever we got stuck, there would be a person. So happily and nicely, they would help you. They would help you with the directions. There were times when people left their shop and walked with us half a kilometer. There were times when people walked with us nearly a kilometer and a half to show us the right way and then turn back. And, you know, so often, I mean, every time we got stuck for directions or whatever, there were people helping us out, you know, complete strangers, at times young people, at times elderly people, at times. I remember कई दफा ये बात करती हूँ कि हम लोग खड़े हैं किसी से बात कर रहे हैं, this young French lady who didn't speak English at all, and there's a gentleman, elderly gentleman standing in the corner of the street, and he walks up, he says, if you're having a problem, I speak English, she doesn't understand me, I will explain. So often we were, you know, helped like this. So, बस गुरुजी की ये मेहर है कि आप उनको हाजर नाजर अगर समझते हो ना कि वो आपके साथ है, अगर आप you step out of the house with your children as a protection to your children, ये गुरुजी अब मैं तो इसको भेज रही हूँ, अब आपने ध्यान करना है. Our son, up to COVID is everywhere. When it was new and we were hearing all the horror stories from China, you know, that was the time our son was on the ship, and he was only sailing in the Southeast Asia. He was going to China, he was going to Japan, he was going to Singapore, and you know, all these countries which were badly off. And that time, now the COVID scare is almost non-existent. I mean, we are also surviving with COVID everywhere. But that time it was all quite new, and we were concerned, yes, for our son. But you kabhi yu mehsoos nahi hua ke hum guru ji ke wahan hote hain, bura khayal aane hi nahi dete ke hai na guru ji hai, kuch bhi nahi hoga. कुछ भी नहीं होगा. तो he was on the ship for a long time. They wouldn't let him off because, you know, they wouldn't, if you remember, there's a lot of problem with the seafarers. They were not being permitted. When the other people were being brought home, but nobody was thinking of them. And then ultimately, you know, with a lot of this thing, he'd gone for 3 months, but he returned after almost 11 months or 10 and a half months. So all hale and hearty. He was quarantined in Korea. Again, we were concerned.
And फिर ये देखो, he was in Korea for 7 days in quarantine, then he was in Delhi for quarantine, and then he comes home and he has a problem with his stomach, you know, pancreas. So again, we were horrified, but then again, I mean, we cannot thank Guruji enough. कि यही प्रॉब्लम अगर उसको शिप पे आ जाती, nobody would have lifted him, nobody would have taken him into the country. Those times they were being so strict. If it had happened in Korea when he was in quarantine, they wouldn't even let him step out of the door. I mean, they had these cameras and things and alarms. You were not, you couldn't step out, and they were giving them horrible food, which thank God he was carrying food from the ship, otherwise he would have gone hungry. So the situation was so dire, and if he had developed that problem which needed immediate attention, had he dekho Guruji ki mere fir bas ye hai ki unka itna shukrana hum karte hain ki Guruji has no choice. He has no choice but to take care of us. So we Guruji ki mere hain, Guruji itni mere hain ki bata nahi sakti. Let me tell you, meher ki baat, I have not even told my husband yet. I'm likely to get a good scolding. You know, a few days back, I'm talking like I'm talking to my friends. You know, Sangat is, चाहे आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, अपना बॉन्ड इतना स्पेशल है ऐसा बॉन्ड सिर्फ आर्मी में होता है कि हम लोग यंगस्टर भी रेजिमेंट में आता है तो वो आपका ही बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका ये होता है. तो अब गुरुजी ने ये बॉन्ड अपना बनाया संगत का. मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता कौन कौन सुन रहा है, but I have a special affiliation, I have a special bond with each one of you, because you are all our parivar. Honestly, I feel love welling into me when I think of the Sangha. So I was telling you a few days back, it was my daughter-in-law's birthday. So we thought, it's been so long, we thought had any get together, let's call a family, it's her special day. So we got busy and we said we'll not get anything from outside. So it was my little treat to her. So I got busy in the kitchen for 2-3 days and we were at it, and thoda sa kink rehta hai faujiyon ko ke jab aapke ghar party hai to Adam inspection hum kehte hai ke every part of the house should be perfect. And so I was like a spinning around doing everything, and then suddenly I thought of the toilet, the little powder room, which is not usually remains locked because it has a glass bowl, glass yes, he's reminding me that you've spoken long enough. So it has a glass sink and a glass table, and we have a little, I call him little monkey, 2.5 year old, who is only creating havoc wherever he goes. So we keep that bathroom locked with the key so that he can't get in, because he loves to wash his hands. So maine wo lock kara hua tha, so I said let me have it cleaned, it's not been used. So I had it clean and I felt it was a little musty. So I, how silly we are, we keep candles all over the place. So there were these fragrant candles, which I lit sometime in the afternoon. And I have no idea whether that bathroom was used at all or not. But 4 days, can you believe it? 4 days later, there's a little ventilator in the corner of the bathroom. I was outside in the veranda when I saw, as if smoke is sticking outside the, I thought maybe there's been a loose connection with the
light. And, you know, I suddenly went and opened the bathroom. You will not believe. There is a knee-shaped table with a tablecloth, a lace, and, you know, little knickknacks and, you know, pretty things and hand towels and flower arrangement and this and that. And two candles were gone. The glass case was broken. The picture behind all this, framed picture, the glass was broken, and whole bathroom, the tiles, the ceiling, they were all jet black. And the table, I think about 2 feet of it, was totally burnt down. ये चार दिन के बाद होश आया और गुरु जी ने देखो कैसे नहीं तो पार्टी वही रात को सो गए सारी रात को जली होगी जो टेबल क्लॉथ जल गया जो टेबल जल गया और सारा धुआं द होल हाउस कुड हैव कॉट फायर इवन इफ द होल हाउस डिडंट कैच फायर देयर वुड हैव बीन एक्सटेंसिव डैमेज नो और हमको होश ही नहीं हम इतनी बेहोशी में गुरु जी का नाम लेके सो जाते हैं मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सही किया ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी जो रात को कैंडल बर्न नहीं करी पर मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे गुरु जी कैसे कैसे हार्म से हमको बचाते हैं सो ये है हमारे गुरु जी विदाउट इवन आवर नॉलेज He protects us. He protects us 24/7. ऐसा नहीं कि problems नहीं आती आएंगी. अब मुझे बताओ और सुनोगे. I think we've taken up a lot of time. बहुत beautiful and बहुत blessed, auntie. We all are feeling so blessed. इतना thank you, Radha. इतना आनंद means just बहुत रूहानी. That's all I can say. Full of love. कोई ना आप किसी से भी सुनोगे हम लोग तो never ending you know blessings and never ending satsangs. So we'll keep the rest for some other time. But thank you once again and the entire sangat whoever is listening. Guruji आप सबके ऊपर जहाँ बैठे हो मुझे पता है जहाँ भी आप हो we are still not safe. Guruji आपके एक एक परिवार के मेंबर को प्रोटेक्ट करें आपको आपको बहुत सी खुशियां बख्शे आप बस उनके उनके मेहर आपके ऊपर बनी रहे और डाउट नहीं लाना शक नहीं करना पाँव पकड़े रखना हम कमजोर हैं हम साथ छोड़ देते हैं हम लोग उलझ जाते हैं हम फिर भी कमजोर बढ़ जाते हैं बस आप उनसे यही मांगा करो कि गुरुजी आप हमारे हाथ नहीं छोड़ हम तो कमजोर हैं सो विद दैट थैंक यू ईच वन ऑफ यू फॉर लिसनिंग एंड टू द रेंडिंग्स ऑफ एन ओल्ड लेडी बट गुरुजी का जो हमारे एक्सपीरियंस है हमारे लिए वो बहुत प्रेशियस है हम उनको याद करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे और मैं एक बात बताती हूँ I think Guruji was around the same age as me. I'm born in 54. So I have a feeling he is also 54 or 55 born. So kabhi yung dhyan bhi aata tha na ki Guruji kabhi aisa bhi hoga ki nahi honge. To phir ye dhyan aata tha ki nahi, he's young. He's all powerful. He'll always be there. So, नहीं है वो अब लेकिन है फॉर्म में अपने चोले में नहीं है लेकिन वो बिल्कुल वही है बिल्कुल है ये कभी यकीन छोड़ना नहीं और एक चीज कई बार बच्चों के लिए टेंशन होती है फिकर करते हैं द चिल्ड्रन आर स्मॉल एंड एज दे ग्रो यू नो द चिल्ड्रंस कंसर्न्स आर कि मामा इतने ये देखो ड्रग्स ये वो So, मैं यही कहती हूँ कि राजे इनको गुरुजी के चरणों में लगाओ वो ही इनको प्रोटेक्ट करेंगे अगर
बच्चे गुरु जी के कदमों में हैं तो गलत कदम उठाने से हमेशा गुरेज करेंगे. So that is it. Bless you all. Thank you. Bless so you much, all. Thank you so My much. My pleasure. My pleasure. Shukrana Guruji. Thank you. Wish you all the very best in life. God bless you. Guruji bless.